आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 250 और 10 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। तो पहले तो आपको देखना है 10 एंड 250 आर मल्टीपल्स ऑफ 4 और नॉट, या 10 के बाद कौन सा पड़ेगा। सबसे पहला तो हमको 4 की टेबल पता है, तो 10 नहीं आता है उसमें, 12 आता है। तो जो हमारा एपी होगा फर्स्ट एपी, वो कहां से स्टार्ट होगा, 12 से। नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन अप टू 250 हमारा 4 का मल्टीपल्स है या नहीं, है ना। तो हम डायरेक्टली करके देखते हैं, यहां पर 250 को डिवाइड करते हैं 4 से। 6 2 4 यानी 24 10, फिर 10 आ गया हमारा, है ना। 2 तो आपका क्या आ गया 8, तो 2 आपका रिमाइंडर बचा, यानी कि 250 में 2 ज्यादा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 250 माइनस 2, दैट इज 248। तो 248 इज आवर एपी, है ना। एपी में एन इज 248। अब हमारा ए क्या है, ए इज 12, डिफरेंस डी इज 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं सब, एंड लास्ट एन इज इक्वल टू 248। आपको नंबर्स चाहिए, हाउ मेनी, दैट मींस एन चाहिए, यू नीड एन, एन इज इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 248 इज इक्वल टू ए इज 12 एन माइनस 1 एंड डी इज 4। 12 को इस साइड में लेकर आएंगे, हमारा आ जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये दोनों कितना आएगा 4 एन माइनस 1। 248 माइनस 12 आपका कितना आएगा 236, दैट इज इक्वल टू 4 एन माइनस 1। तो n माइनस 1 हमारा कितना हो गया 236/4। इसको डिवाइड करके देखो आपका कितना आ रहा है, आपका आएगा 1 जा, नेक्स्ट 5 जा 20, है ना। तो 3 और 6 बच गया 36, यानी 9 जा 59। तो आपका आ गया 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड में लेकर आओ, आपका आ गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन हमारा कितना आ गया 60, दैट मीन्स 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं इन बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। आपका क्वेश्चन है For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? ठीक है, इसमें इसने क्या बताया कि कौन सा वैल्यू ऑफ n, है ना, नंबर्स आर द nth टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये एपी और ये एपी दोनों को इक्वल करना है आपको। कैसे इक्वल करोगे, तो फर्स्ट वाले का ए क्या है आपका 63, डी क्या है आपका 65 माइनस 63 इज 2, ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको दो चीज मिली, तो आपका एन क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए इज 63 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा है 2,
ठीक है, दैट इज आवर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाले का देखते हैं हम, सेकंड वाले का ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7, तो हमारा ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हो गया, ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7। अब इसने क्या कहा, ध्यान से देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म, nth टर्म मीन्स ए एन एंड ए एन आर इक्वल, लास्ट में लिखा है इक्वल, दैट मीन्स आपको ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। अब ये वाला, सिर्फ ये वाले की तरफ ध्यान दो और ये वाले की तरफ ध्यान दो, एन एन छोड़ दो, खत्म हो गया उसकी कहानी। अब यहां पर शुरू होगा आपका, तो यहां पर क्या है आपका 63 प्लस 2 से ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसको करोगे 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो n माइनस 1 को, 7n माइनस 7। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इज माइनस 4, 7n माइनस 4, ठीक है। n को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में लेके जाओ, आपका आएगा 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, 2n माइनस 7n इज माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 4n 61 कितना होता है 65, तो n इज इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल्ड, 5 1 5 13, तो n हमारा कितना आ गया, therefore n इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स आफ्टर 13th टर्म दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, यानी nth टर्म विल बिकम इक्वल, ठीक है।